यज्ञ के प्रधान वेदी प्रधान देवता रक्त वर्ण ब्रह्मा स्तंभ है, पुनः फिर वहाँ आ जाइएगा। अग्निकुंभ का स्तंभ यम का स्थान है, और स्कंद किसको कहते हैं, जो स्तंभ है ये वायु है। नमस्कार दोस्तों, एच बी दर्शक में आपका स्वागत है। आज महाराज जी से हम जानेंगे, ये 16 स्तंभ आपको दिख रहा होगा यज्ञ स्थल में, ये 16 स्तंभ महाराज जी हमें इन 16 स्तंभ के महत्व के बारे में बताएंगे। आज इन 16 स्तंभों की हमें जानकारी है महाराज। नारायण, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले बताया है ना कि ये जग यज्ञ व नारायण है, नारायण व यज्ञ है। जग साक्षात नारायण स्वरूप है, और जग नारायण स्वरूप है, और नारायण यज्ञ है, और जग ही नारायण है, ठीक ना। नारायण से उत्पत्ति जग का हुआ है, और जग से उत्पत्ति नारायण का हुआ है। तो इस जग में, पहले मैं आपको बतला चुका हूँ कि जग में इसमें एक एक खर का पूजन किया जाता है, मिट्टी का पूजन किया जाता है। ये जग में 16 गो स्तंभ होते हैं, ये 4 गो अंदर होते हैं और 12 स्तंभ बाहर होते हैं। चार अंदर, एक प्रधान वेदी होता है जो मध्य में होता है। यज्ञ के प्रधान वेदी प्रधान देवता सर्वतोभद्र लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, सर्वतोभद्र वेदी है, बीच में होता है, और मध्य वेदी ईशान कोण में रक्त वर्ण ब्रह्मा स्तंभ है, जो रेड कलर में, हाँ रक्त वर्ण। और फिर मध्य वेदी अग्नि कोण में जो रक्त काले रंग का है स्तंभ, वो भगवान विष्णु का है। और मध्य वेदी नैऋत्य कोण में जो ये उजले रंग का है, ये रुद्र का स्थान है। और मध्य वेदी भैरव कोण में जो पीले रंग का है, ये इंद्र का है। अब जगमंडप के बाहर आइए, ईशान कोण में, ईशान कोण जगमंडप ईशान कोण से पूजा होता है। ईशान कोण में सूर्य, ईशान कोण में जो स्तंभ होता है ना, वो सूर्य का स्तंभ होता है, सूर्य हाँ, और उसके बाद वाला जो स्तंभ होता है वो गणपति का होता है। और पुनः फिर वहां आ जाइएगा अग्नि कोण के बाद, पूर्व और अग्नि के मध्य जो होता है वो जम का होता है, और अग्नि हाँ जम स्तंभ है, हाँ जम का स्तंभ, जम का स्थान है, वो स्तंभ में जम का पूजा किया जाता है। ये जग है, इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 33 कोटि देवताओं का वाहन स्थापन पूजन किया जाता है। एक एक स्तंभ में करीब मैं आपको बताता हूँ कि 100 देवता का पूजन होता है, जम के साथ, जम के अपना घर परिवार इत्यादि का सबका पूजा किया जाता है। उसके बाद अग्नि कोण में नागराज का पूजन किया जाता है, और अग्नि अग्नि दक्षिण अग्नि मध्य जो स्तंभ है वो स्कंद का है। स्कंद स्कंद किसको कहते हैं, कार्तिक। अच्छा, और फिर आप आ जाइए दक्षिण और नर्त्र मध्य जो स्तंभ है, ये वायु है, वायु। और पुनः उसके बाद फिर नृत्य को, हाँ ये धूम्रबाण है, वायु है, कलर भी है क्या, धूम्रबाण है, का है नहीं बस। अच्छा, धूम्रबाण है। अच्छा। और फिर नृत्य कोण पर यदि आप आते हैं तो ये पीला रंग का स्तंभ है जो सोम का है, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा। और नृत्य और पश्चिम, नृत्य और पश्चिम मध्य ये जो स्तंभ है वरुण का है, हाँ। और पश्चिम और भैरव कोण है, भैरव कोण और पश्चिम मध्य में जो ये स्तंभ है अष्टवसु का है। और भैरव कोण में जब आप जाते हैं, भैरव कोण में उसमें धनद, भैरव कोण हरदम स्थान जो होता है धनद का, यानी कुबेर का स्थान होता है, उसमें धनद का पूजन किया जाता है। और भैरव और उत्तर, भैरव और उत्तर मध्य बृहस्पति का पूजन किया जाता है, और उत्तर और ईशान कोण मध्य विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है, जो कि रक्त वर्ण का स्तंभ विश्वकर्मा का है, ठीक ना। ये 16 स्तंभ है यज्ञ में। और सुनिए, और यज्ञ में हर यज्ञ मंडप है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म का अंतिम शाखा यही है। इसमें मिट्टी, मिट्टी से लेकर एक एक कर्ण जो है ना, सारे कर्ण का पूजन किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले स्तंभ में स्तंभ के मालभेद, मालभेद और स्तंभ से शीर्ष नायक मात्र शाखा, सखा का पूजा किया जाता है, जमीन में पूजा किया जाता है, सखा का पूजा किया जाता है, मात्र सखा बंधन। उसके बाद अनुमंत्रण, अनुमंत्रण लास्ट में प्रणाम इत्यादि करके, और बोलिए। तो जैसे कि महाराज जी ने बहुत ही अच्छे, सुनिए और देखिए, और ये तो स्तंभ 16 स्तंभ हो गए, और ये चारों दरवाजा है, आप पूछ सकते हैं चारों दरवाजा के बारे में।
देखिए चारों दरवाजा का जो ऊपर में होता है ये दरवाजा हो गया। हाँ ये सुदृढ़ तोरण है। अच्छा और उसका विकट तोरण है। अच्छा विकट तोरण भी इसको कहा जाता है। अच्छा तो तोरण है सुदृढ़। अच्छा और ये फिर सुदृढ़। अच्छा ऋग्वेद पूरा यजुर्वेद यजुर्वेद हाँ सामवेद सामवेद और यथर्ववेद। सुनिए और सुनिए पूर्व में इंद्र और इंद्र के जितने इष्ट मित्र हैं उनका पूजन होता है और दक्षिण में जब आप आते हैं तो जम और जम के साथ जितने इष्ट मित्र होते हैं उनका और जब आप पश्चिम में आते हैं तो वरुण है और वरुण के साथ जितने इष्ट मित्र हैं उनका उस और आप जब ऊपर में आते हैं तो सोम है और सोम के साथ जितने इष्ट मित्र हैं उन सभी का पूजन किया जाता है। मैं पहले दिन भी आपको बता चुका हूँ जब एक हमारे संस्कृति सनातन धर्म का धरोहर यज्ञ है इससे क्या होता है सनातन संगठन होता है और संगठन होता है जिससे अप्रेम है उससे भी प्रेम होता है इसलिए यज्ञ अनिवार्य। अभी तो मैंने जो अभी समय चल रहा है इसमें यज्ञ होना अनिवार्य है हर समय होना चाहिए। इसलिए यज्ञ अनिवार्य। इतना ज्ञान भरा ये आज का वीडियो रहा है और तमाम चीजों का जानकारी तमाम यज्ञ स्थल का जो महाराज जी ने बहुत अच्छे आसान शब्दों में हमें समझाया आप सबको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में अपने फैमिलियों में ताकि उन्हें भी पता चल जाएगा यज्ञ स्थल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।